हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और रेडमी नोट 9 प्रो लॉन्च हुआ भारत में। 4 रियर कैमरे से हैं लेंस, जिसका गाइस दोनों ही फ़ोन का आपने अनबॉक्सिंग, स्पेसिफिकेशन और भी बहुत जानकारी हासिल कर चुके होंगे। लेकिन गाइस को ये नहीं बताया होगा आपको कि ये ही दोनों फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, और ऑफलाइन मार्केट का प्राइस क्या रहेगा, ऑनलाइन के बराबर रहेगा या ऑनलाइन से ज़्यादा रहेगा या ऑनलाइन से कम रहेगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा आपका कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आपको बगल में दिख रहा होगा। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन की हो, Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9 Pro भारत में लॉन्च कर दिया गया है। Redmi Note सीरीज के दोनों ही स्मार्टफोन क्विक रियर सेटअप कैमरा होल्ड पॉइंट डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसमें स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर चलते हैं और इसमें USB टाइप सी कनेक्टिविटी है। Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने अपने दोनों ही हैंडसेट में आरा ब्लेजर डिज़ाइन के साथ P2i स्ले प्रूफ कोडिंग की है। Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9 पर वो अन्य खासियत की बात करें तो इनके किनारे पर फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये 128 GB तक की स्टोरेज के साथ आते हैं। Redmi Note 9 Pro Max एक नई सीरीज है और इसमें कंपनी ने 64 MP का प्राइमरी सेंसर दिया है। अब मैं आपको गाइस प्राइस पहले बता देता हूँ ऑनलाइन का, उसके बाद मैं ऑफलाइन का प्राइस बता दूंगा। Redmi Note 9 Pro Max की कीमत 14,999 रुपये से शुरू होती है। दाम 6 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फ़ोन के 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट मॉडल को 16,999 रुपये में बेचा जाएगा। वहीं पे 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज मॉडल को 18,999 रुपये में बेचा जाएगा। दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro की कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है। दाम 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फ़ोन का 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट 15,999 रुपये का है। Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9 Pro Aurora ब्लू, ग्लेशियर वाइट और इंटर स्टेलर ब्लैक रंग में मिलेगा। Redmi Note 9 Pro की पहली सेल 17 मार्च को आयोजित होगी और Redmi Note 9 Pro Max को पहली बार 25 मार्च को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और यहां पे अब बेसिक इन्फॉर्मेशन, दोनों ही फ़ोन अमेजन Mi.com, मी होम स्टोर यानी होम स्टोर यानी ऑफलाइन और मी स्टूडियो स्टोर में उपलब्ध हो, यानी आपको यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होगा। और मैं अगर प्राइस की बात करूं तो आपको प्राइस सेम ही लेगा या आपको इससे ऑनलाइन के प्राइस के मुकाबले आपको कम ही लिया जाएगा, यानी गाइस आपको ऑनलाइन के प्राइस से ज़्यादा नहीं ले सकता है वो दुकानदार। तो आप लोग लेते इसमें अपना ध्यान रखिए। अब मैं आपको रियल स्पेसिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। आपको यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max का बात करूँ तो डिस्प्ले 6.67 इंच का प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G फ्रंट कैमरा 32 MP, रियर कैमरा 64 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP रैम, 6 GB स्टोरेज, 64 GB बैटरी क्षमता, 5020mAh OS एंड्रॉयड रिजोल्यूशन 1080। Redmi Note 9 Pro आपको डिस्प्ले मिल जाएगा 6.67 इंच का प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G फ्रंट कैमरा 16 MP, रियर कैमरा 48 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP रैम, 4 GB स्टोरेज, 64 GB बैटरी क्षमता, 5020mAh OS एंड्रॉयड रिजोल्यूशन 1080। तो यह थी दोस्तों दोनों का बारे में मैंने बताया कि आपको ऑफलाइन अवेलेबल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक में, और हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और बस और हमें इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर फॉलो करें, आपको लिंक और यूजर आईडी आपको दिख रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिल्म इंतजार छह वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।